हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y56 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को भी कॉल करते हैं या फिर कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो आपकी अचानक से जो है कॉल एंड हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को आपको जो है रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है इसे आपको उंगली से आगे रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन दे रखा है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी दूर हो जाती है। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, कॉल एंड हो जाता है, नेटवर्क की दिक्कत होती है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको मोबाइल फोन का जो फोन ऐप होता है, फोन ऐप को आपको इसे जो है उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा होगा या फिर सर्कल के अंदर आई बटन बना होगा, ये आपको टैप करना है। तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको नीचे की साइड क्लियर स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो क्लियर स्टोरेज, दूसरा क्लियर कैच का। पहले क्लियर कैच पर टैप करना है तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है और आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पर टैप करना है तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऐप के डेटा को आप डिलीट कर दीजिए, जिससे आपकी कॉल एंडेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ना कंफर्मेशन कर लेनी है कि आपके मोबाइल फोन में कहीं आपके मोबाइल फोन का बैलेंस खत्म तो नहीं हो गया है। कई बार ऐसा होता है हमारे मोबाइल फोन का बैलेंस जो होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉल एंड हो जाती है। ठीक है ना, तो आप अपना डेटा यहाँ पे बैलेंस जो है चेक कर लीजिए अपने फोन में। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार जो है नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग ठीक से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन में जो है ना कॉल एंडेड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो नेटवर्क सेटिंग को आप रीसेट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे ना, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन रीसेट सेटिंग, इसे टैप करना है। अब जो भी स्क्रीन लॉक आपने अपने फोन पे लगा रखा है उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। ठीक है, रीसेट सेटिंग पे आप टैप करेंगे तो नीचे की साइड आपको लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन की जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है कि मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है और सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड सिम वन सिम टू ये ऑप्शन मिलेंगे, जिस सिम में आपकी प्रॉब्लम आ रही है कॉल एंडेड की उस सिम को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको जो है ना 5G का मोबाइल फोन है अगर आपका, तो 5G के ऑप्शन के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है। अगर आपका मोबाइल फोन 4G का है तो 4G के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है। ठीक है, अब प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे सिलेक्ट करना है। इस पेज में ये APN का पेज ओपन होगा। ठीक है, APN के इस पेज में आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है, तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप करना है। तो आपका नीचे लिखा हुआ आएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपकी मोबाइल फोन की जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन का सिस्टम का अपडेट आता है लेकिन हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आना शुरू हो जाती है, जैसे कि कॉल एंड की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिस्टम अपडेट कैसे चेक करना है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसमें स्टेटस बार ओपन करना है, इसमें आपको इंटरनेट चालू करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर इसके बाद सेटिंग पेज ओपन करना है, इसमें आपको नीचे की साइड ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आप अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या ऑप्शन दिखाई देता है तो उसे आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है, सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपकी कॉल एंडेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस मैंने आपको जितने भी बताए ये सारे प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आपकी कॉल एंडेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।